हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को कुछ खास चीज़ दिखाने वाली हूँ। और आज मेरे गांव के तालाब से मछली पकड़ के आई है, उसका आज मैं सब्जी मतलब देखिए आप लोग, मेरा फेवरेट मछली ये छोटी वाली मछली है। इसका नाम क्या है पता नहीं है, क्योंकि मेरी फेवरेट है। और ये मेरे चाचा जी की फेवरेट मछली है, और मैं अपने पापा जी की मछली दिखाती हूँ फेवरेट। देखिए ये अभी सब जिंदा है और देखिए, अब मैं इसको अच्छे से साफ उफ करके तब आप लोग को दिखा रही हूँ कैसे बना रही हूँ। ओके, लास्ट तक बने रहिए, और आज बहुत मज़ा आने वाला है मछली देख देख के। आप लोग को खाने को तो नहीं मिलेगा, बट देख के ही मज़ा आएगा, आप लोग को सीख जाइएगा आप लोग फिर। हाँ तो गाइस देखिए, ये है लहसुन और मिर्चा जो कि सिलौटा पे पीसने वाले हैं। इस पे बना पिसा हुआ सब मछली बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए आज सोचे कि थोड़ा सा इस पे पीस के बनाते हैं ये मिक्सी में आज नहीं पीसेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा मिलता है खाने के लिए, सिलवट वाला नहीं मिलता है। तो देखिए मछली साफ कर लिए हैं, उसके बाद से इसमें हल्दी और नमक मिला दिए हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब दिखाते हैं आपको, कढ़ाई में चल रहा है मछली, और छोटा वाला मछली भी धो दिए हैं। इसको भी दिखाते हैं आपको, ये वाला छोटा वाला मछली है। और डालने के बाद इसमें फिर मसाला वसाला तैयार करेंगे। आज फिर से चिल्ला के बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ तो गाइस, अभी लाल मिर्चा तुर रहे हैं फ़ौरन के लिए, छोटा वाला मछली भी बना रहे हैं और फ़ौरन डालेंगे। इसमें पंचफोड़ना है, जिसमें कि मेथी है, जीरा है, सरसों है। अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, तब तक चूल्हा देखिए बुझ गया है, गैस नहीं है चूल्हा। अब हम फ़ौरन डालेंगे इसमें मसाला, अभी डाल दिए हैं जीरा और ये फ़ौरन डाल दिए। तो लाल होने के बाद लाल हो गया, अब लाल मिर्चा डालेंगे, मसाला डालेंगे। पूरा लाल हो गया मिर्चा, मसाला इसमें डाल रहे हैं, जिसमें कि जीरा है, धनिया है, सरसों पाउडर है, लहसुन है और लाल मिर्च में थोड़ा सा। अब मसाला पकने के लिए छोड़ेंगे। गर्मी बहुत है, इसमें से थोड़ा सा टमाटर डालेंगे इसमें बस। अब लाल मिर्ची डालेंगे, आम का अचार डालेंगे दो दो छोटा छोटा, तब तक मंगवा रहे हैं छोटा वाला मछली डालेंगे। देखिए कितना प्यार से डाल रहे हैं, चला टपक रहा आप लोग को खाने के लिए। मसाला का नहीं लगा दी, अगर भूल गए दो दो बोल रहे थे दीदी, नाम क्या चार का नहीं जी। खटाई हो आम के चार दिन ना भाई, आम के चार दिन ना खटाई नहीं, आम के बहुत बता अच्छा हुई। हम कैसा दी डालो, मसाला डाल दिए हैं, उसके बाद से अब स्वादानुसार नमक डाल रहे हैं। हो जाए नमक अब खटाई डाल रहे हैं, नाम का अचार दूगो, देखिए आप लोग भी डाल दीजिएगा क्योंकि इससे स्वाद बढ़ जाता है। और इसको मिक्स करके हथेली पे थोड़ा से
ऐसे डाल रहे हैं, इसको मिला देंगे। अब चलाएंगे नहीं, एक बार ही लास्ट चलाएंगे। मेरे घर में सबको पसंद है मेरे हाथ का ये मछली, पता नहीं आज कैसा बनेगा, देखिए मेहनत तो की है सब लोग किया है, बस हम नहीं किए हैं। अब बस इलाज चला रहे हैं, पूरा मिक्स कर दिए, इसके बाद हम नहीं चलाएंगे। चिल्ला का मछली खाइएगा आप लोग, भी मज़ा आएगा कभी बनाइएगा, आ जाएंगे बनाने के लिए, आप लोग के घर बुलाइएगा तो कम झूठ बोलिए, सही में चले जाएंगे कोई बुला के तो देखे हमको। तो देखिए पूरा पक चुका है मछली अच्छी तरीके से, और इसको ऐसे ऐसे घुमा के तब कर रहे हैं ताकि नीचे से लगे नहीं, इसको चलाना भी नहीं होता है, नहीं तो मछली टूट जाता है, और खड़ा रखना रहता है इसको। तो बताइएगा कमेंट में कैसा बना है मछली, और अब इसको उतारेंगे। अच्छे तरीक़ा से पक चुका है और बहुत अच्छा देखने में मन, मतलब लग रहा है, मन कर रहा है कब खा लें अब इसको उतारेंगे नीचे, और इसको उतारने के बाद आप लोग को दूसरा रेसिपी दिखाएंगे मछली का बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक, और प्यार करते रहिए हमसे मेरे रेसिपी से। दूसरा मछली बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, इसमें देखिए इसमें जीरा वही जो फ़ौरन उसमें डाले थे यही डाल दिया, इसमें भी इसमें लाल मिर्चा नहीं डाल रहे हैं, मम्मी काट दिया हरा मिर्चा वही डाल रहे हैं, डालिए ना वही डाल दिए हरा मिर्चा ही डाल रहे हैं, डर लग रहा है और ये भी लाल हो जाएगा। इसके बाद से मसाला डालेंगे इसमें, और लास्ट तक बने रहिए देखते रहिए वो मछली कैसा बना था, बताइए कमेंट में, अच्छा लगा आप लोग को देखते ही वाला, देखिए कैसा बनता है। इसको लाल हो जाने के बाद तो ये लाल हो चुका है, और अब इसमें डालेंगे मसाला, मसाला डाल रहे हैं इसमें, देखिए कितना सारा मसाला है। आप लोग ये मत बोलिए कितना ज़्यादा बनता है, मेरे घर में बहुत सारा फैमिली है इसलिए बहुत ज़्यादा बनता है, जितना ज़्यादा फैमिली रहेगा उतना ज़्यादा बनता है जिसके घर में जितना ज़्यादा फैमिली मेंबर रहते हैं उतना ज़्यादा बनता है, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं। और अब इसको पकाएँगे 20-25 मिनट तक, जब पक जाएगा के बाद से फिर इसमें मछली डालेंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा पकने के बाद टमाटर डालेंगे, और तब तक बने रहे आप लोग। मसाला पकने का इंतज़ार कर रहे हैं, और आराम से मज़े में चूल्हा जलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कब थोड़ा सा मसाला पक जाए। तो देखिए मसाला पकने पे आ चुका है, थोड़ा सा मसाला पक गया है, अब इसमें टमाटर डालेंगे। तो देखिए अब टमाटर डाल रहे हैं, थोड़ा सा टमाटर पक जाएगा, उसके बाद से पानी डालेंगे। हाँ तो गाइस देखिए मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है, तो अब इसमें पानी डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी मछली भी खींचता है, तो इस हिसाब से पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें। अब पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें आम का अचार डाल रहे हैं, इतना सारा आम का अचार डाल रहे हैं, आम के अचार से अच्छा लगता है, नहीं रहे हैं। बहुत थक गया है, अब देखिए इसमें मछली को ऐड कर रहे हैं, और एक डिश अभी बचा हुआ है,
तो उसको इसी तरह उसको भी बनाएंगे और बना के ही दिखाएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हो गया। अब मछली ऐड कर दिए, अब 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट नहीं बस डाले हैं। अब इसको उतारेंगे नीचे, देखिए बनाते बनाते अंधेरा हो चुका है। अब देखिए उतारने का टाइम हो गया, धनिया पत्ता डाल के अब इसको उतार देंगे नीचे। तीनों मछली तैयार हो चुका है, ये वाला है और ये दूसरा मछली है और ये तीसरा मछली है। अब जा रहे हैं सबको खाना खिलाने, और खाना खिलाने के बाद ये है छोटा वाला मछली, बहुत टेस्टी बना है, और ये बड़ा वाला मछली है और ये है बड़ा वाला मछली। हाँ तो गाइस सबको खा लिया और हम भी खा लिए हैं, और अब ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, गुड नाइट सबको।